शांति। आज की तारीख है 8/11/22 और ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है और इसमें ही कमाई है। प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। नंबर 2, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। नंबर 3, उन्हें सिवाय एक बात की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। नंबर 4, वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वो हर कर्म और काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे व हंसेंगे भी नहीं। नंबर 5, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी और उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। नंबर 6, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, बाबा बहुत फर्स्ट, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर दूतीपना नहीं करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।